स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम क्लास थर्ड के अंदर वीडियो 41 करेंगे मैथ्स में, और एक्सरसाइज 3.4 हम शुरू करेंगे. देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है. फाइंड द डिफरेंस बाय ब्रेकिंग वन नंबर, यानी कि इनमें आपको डिफरेंस निकालना है जिसमें से आप क्या करेंगे, एक नंबर को ब्रेक कर लीजिए. ठीक है, अब एक नंबर को ब्रेक कैसे करते हैं? जैसे 74 तो आप लिख लीजिए, उसके बाद माइनस करना है आपको. क्या माइनस करना है? 45 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 40 + 5, ये मैं लिख सकती हूँ. अब जैसे ही आप इनके ब्रैकेट्स हटाएंगे तो 74 में से सबसे पहले आप 40 को माइनस कर लीजिए और फिर माइनस कर दीजिएगा उसके 5 को. 40 को करिए पहले, फिर 5 को करिए. तो 74 में से आप 40 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा? 34 बच जाएगा. 4 में से 0 गए 4, और 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे. और फिर वहाँ से आप 5 लेस कर दीजिए आंसर में से, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 29 हो जाएगा. क्लियर है? एक और क्वेश्चन के हिसाब से समझिए आप. यहाँ 85 माइनस 36 को आप ऐसे लिख दीजिए 30 + 6. ठीक है, इसके बाद 85 में से पहले आप 30 को लेस कर दीजिए और उसके बाद आंसर में से 6 को लेस कर दीजिए. देखिए 85 में से आप 30 को लेस करेंगे तो 5 में से 0 गए तो 5 बचे, 8 में से 3 गए तो भी आपको क्या बचेंगे? 5. और फिर आपका क्या है? -6. तो आप इसे माइनस कर दीजिए, -6 आप करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 49 आ जाएगा. क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिफरेंस बाय मेकिंग वन नंबर अ मल्टीपल ऑफ 10 और 100. यहाँ आपसे क्या कहा गया है? यहाँ आपसे कहा गया है कि जो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस आपको निकालना है, बिल्कुल निकालना है. आप क्या करेंगे इनका नंबर निकालने के लिए? इन्हें आप 100 या 10 का मल्टीपल बनाएं. देखिए कैसे बनाएंगे. यहाँ आप देखिए क्या है, 57. देखिए अगर मैं 57 में +3 कर दूँ, 57 में अगर मैं +3 कर दूँ या -7 कर दूँ, देखिए +3 करते ही ये कितना हो जाएगा? 60. और अगर मैं इसको -7 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? -7 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 50. तो भी आप इसे कर सकते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे +3 कर दिया तो आप इसे भी यहाँ पर क्या कर दीजिए? +3 कर दीजिए. तो 23 की जगह कितना हो जाएगा बेटा? 26 हो जाएगा. ठीक है, अब आप 26 को यहाँ माइनस कर लीजिए. 26 को आप कैसे माइनस करेंगे? 10 हो जाएगा ये, 10 में 6 गए बचे 4, यहाँ रह जाएगा 5, 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3 बचे. कितने बचे बेटा? 3 बचे. इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं. देखिए एक और मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, कोई भी कर लीजिए. चलिए आपको डी बता देती हूँ. 187, आप देखिए इसमें भी अगर मैं +3 कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ? +3, तो ये 190 हो जाएगा, टेंस का मल्टीपल हो जाएगा. और 52, ये क्या है? 52. तो मैं 52 को क्या कर सकती हूँ बताएं आप? 52 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? प्लस थ्री. यहाँ भी यहाँ +3 किया तो आप यहाँ भी +3 करें. ठीक है, तो यहाँ +3 करते ही कितना हो जाएगा? ये 55. तो अब आप 190 में से 55 को लेस कर सकते हैं, ये 10 हो जाएगा. 10 में से 5 गए बचे 5, ये 8 बचेगा. 8 में से 5 गए बचे कितने? 3 और 1. तो आंसर कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा. इस तरह से आप बी और सी क्वेश्चन करिए, ये आपका HW होगा. क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड द डिफरेंस बाय काउंटिंग अप. काउंटिंग अप आपको ये करना है. काउंटिंग अप करने का क्या मतलब है? यहाँ पर आपको 87 में से क्या लेस करना है? 53 लेस करना है. तो सबसे पहले आप 53 पर आएँ. ठीक है, 53 से मुझे बताएं 60 लाने में. 53 से आप 60 लाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7. देखिए 53 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा. हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा. 61 से लेके आप 70 तक जाएंगे तो 10 और ऐड हो जाएंगे.